तू। मार दिया कमीने ने, नहीं छोड़ूंगा कमीने को। अरे भाई जरा उठाना, नहीं छोड़ूंगा उस कमीने को। नहीं छोड़ोगे बड़े मियां? अरे सगा भाई ये तो क्या हुआ, छोड़ूंगा नहीं इस कमीने को, जान से मार डालूंगा उस कमीने को। मगर क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का? मेरा नाम मिर्जापुरी है और उस कमीने भाई का नाम सोतपुरी। इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे भाई भाई का झगड़ा, थूक दो गुस्सा। तुमने तो मेरे मुंह पे थूक दिया कम मगर। अरे तुमने तो कहा था थूकने के लिए। तुमने तो मेरे मुंह पे थूक दिया, मैं तो गुस्सा थूकने के लिए कह रहा था। अरे तो मैं तो अपने कमीने भाई के मुंह पे थूक रहा था। बताओ कैसा जमाना आ गया, भाई ने भाई को धक्का दे दिया। ठीक है अपने घर चलो, निकलो। अरे भाई आदि बहुत अच्छे हो तुम, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, बता जिंगे जिंगे स्टेज कराता फिर रहा हूँ। कुछ नहीं करते? नहीं। मेरी नौकरी करोगे? हाँ, उस सांड से मुझे और पिटवा दे। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तनख्वाह भी मिलेगी और खाना भी खिलवाऊंगा। मगर काम क्या करना पड़ेगा? काम धाम कुछ नहीं है, उस कमीने भाई को बस सबक सिखाना है। क्या सोच रहे हो? ठीक है चलो 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 चले। नहीं है क्या 24 घंटे इसमें लगी रहती है? तो तेरे भी पाप का नहीं है, मेरे तो पाप ने लगवाया है। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं तुझ पे तरस खाऊं। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं नहरी रोटी खाऊं। दफा हो जा कम वक्त कल मुही। अरे मामी क्यों लड़ती रहती हो तुम दोनों, बड़ी शर्म की बात है। मैं ना लड़ती सलमा, यही लड़ा बदतमीज कल मुही। मैं लड़ती हूँ या कल मुही लड़ती है? तुम दोनों में से तो कोई भी कम नहीं है। अरे ये बोलनी तो छोटी मम्मी, तुम ही चुप हो जाओ। तमीज से पैसा लड़की, तेरे लिए हम दोनों बराबर है। अरे मेरा मतलब है तुम दोनों लड़ाई मत करो, आखिर तुम दोनों एक ही हो। हम दोनों एक क्यों होते? इसे तो मैं है ना सबक सिखा कर आऊंगी। या अल्लाह क्या मुसीबत है, जब देखो झगड़ा ही झगड़ा। सलमा आने दे तेरे मामू को, आज या तो ये घर में रहोगी या मैं घर में रहूंगी, समझती क्या अपने आप को? सलमा आज ईद का दिन है, बनाना खाना छोड़ दूंगी, आज इस कलमाई को कोसूंगी सारा दिन मैं। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मामू आने वाले हैं, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, चलो जाओ अपने कमरे में। है क्या मुसीबत है? लड़ाई बंद करो बड़े भाई, लड़ना बेकार होता है। तू देख आज इसके बच्चों को यतीम कर दूंगा। यतीम के सर पे हाथ रखना तो स्वभाव है ना। हाँ यतीम के सर पे हाथ रखना स्वभाव होता है। लो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दूं। अपनी बकवास बंद कर, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, उसको जान से मार दूंगा कमीने को, छोड़ूंगा नहीं। आजा मेरे भाई, आजा मेरे गले लग जा, आज दिल कर रहा है किसी बुराई को गले लगा लूं। मैं कहता हूँ लानत है तुझ पे। लानत ना भेज कमीने, लानत ना भेज, अपना मुंह भेज दे। अरे तेरा मुंह किसी लानत से कम थोड़े ही है। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। समझो मिल लो अच्छाई तक पहुँचने के लिए बुराई को गले लगाना पड़ता। मैं तो नहीं लगाता गले, तू लगा ले से। बड़ा कमीना इंसान है। ठीक है मैं मिल लेता हूँ। अबे मामू मेरे से गले मिलेगा क्या? आप ही मान लिया हो, आपसे गले मिल लूंगा, मगर इस कमीने का तो किरदार ही खराब है, ये तो गले मिलते वक्त जेब काट लेता है जेब। मैले अपनी सूरत में लिखवा ले, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मिलता होगा मिलेगा तो इस भेड़िए से मिल लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे ये क्या हो गया? निकल लिया ऊपर को निकल लिया। आ जा उड़ता उड़ता खेलते खेलते। एक आने दे आज बहुत दिन हो गया। मुर्दे पे वजन है, बहुत हेवी है, बहुत भारी है। क्या बात है, आ जा।
अब क्या होगा? होना क्या है, फंस गया तू? तू फंसेगा? तू फंसेगा, पुलिस आएगी तेरे को लेके जाएगी, ये तेरा नौकर है। ले अब मैं झंडू में फेंकता हूँ। वैसे जहन्नुम में फेंकने क्या जरूरत है, इसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? इलाज है, अभी बताऊंगा। तो इलाज कर दे। ले तो नहीं, जेब काटेगा, जेब काटेगा, चोट है। तू नहीं जानता कितना कमीना इंसान है ये। मैं चांद देखने छत पे चढ़ा, इस कमनखत ने मेरे गले में सांप डाल दिया। मैं घबरा कर पड़ोसी के घर में कूद गया। पड़ोसी सोचने लगे कि इसका कुछ और चक्कर है। अपनी मत बता दिए, अपनी मत बता दिए। तू कितना बड़ा कमीना है, है? रोज पड़ोसी के घर में अखबार ढूंढता है, अखबार उठा के लाता है, उसमें तलाक नामा देखता है और कहता है कि तू कब बेवाह हो रही है और कब मैं तेरे सिर पे हाथ धरूं, तुझे तरस खाऊं। अपनी मत बता दिए। बता कम में कहता, अपने घर की लड़ाई मुझे क्या घसीट रहे हो? ये घसीटा नहीं, कसाई है, कसाई। तुम मुझे कसाई बता रहे? कसाई नहीं है, ये तेली नहीं है ये। तुझे पता नहीं, जब ये पैदा हुआ था ना तो दाई ने पैसे भी नहीं लिए थे। ये तो कुंजड़ा है, कुंजड़ा बता रहे। जाते मार दो, मार दो, जाते मार जाओ, मार दे, मार दे, जाते मार दे, जान से मार दे, बिल्कुल मर गए, जान से मार, ऐसे मार दे, ऐसे मारो, मार दूंगा तेरे को, ऐसे नहीं लड़ते, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा, कर दूंगा काम, ऐसे नहीं लड़ते, ऐसे लड़ते, बता रही है, एक मार रही है। नहीं अभी कहता हूँ भाईजान, आपका ये नौकर हमारा भी काम करेगा। हाँ हाँ, अभी भेज रहा हूँ। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे जल्दी भूल गए? मेरा नाम शेख चिल्ली। अरे शेख चिल्ली, एक काम कर, इनका काम भी कर दे कर, मगर जरा संभल के। क्यों? बड़ा कमीना इंसान है। बड़ा कमीना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। चला देख रहे हो, जब देखो घूर घूर के देखते रहते हो, अपना काम करो। मामी, अरे इसे कोई काम बताओ ना। अरे तुम आते ही लड़की की तरफ देखने लगे, बताओ जी इसे कोई काम बताओ। करना क्या है, जब चाय बना के ले क्या? और सुन, बढ़िया सी चाय पिलाना। ठीक है ठीक है, मुझे सामान बतला दो और ये बतला दो कहाँ बनेगी चाय। शर्मा बेटे जी, मामू इस नौकर को सब कुछ सिखा दो। ठीक है मामू, आओ रसोई का रास्ता दिखा देती हूँ। ठीक है। ये है रसोई, और चाय अच्छी बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल निकल। अरे मामू, अखबार में क्या ऐसा मिल गया जो लगे पड़े हो अखबार में? अरे मिल क्या गया, हर घर की कहानी यही है। एक भाई ने अपने नौकर के साथ मिलकर दूसरे भाई को मरवा डाला। चाय 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 चाय। मामी, मुझे तो चाय कुछ ठीक नहीं लग रही। चाय तो बिल्कुल ठंडी है, क्यों मामू?
अबे तुझे चाय बनानी नहीं आती? बिल्कुल ठंडी चाय बना के लेके आया। तो क्या इसी बात की तनखा लेगा, बर्फ जैसी ठंडी चाय पिलाकर? बर्फ जैसी ठंडी चाय? चाय तो मैंने गर्म बनाई थी, असल ठंडी कर दूंगी। हाँ, मेरा पागल बना रहे, अभी बता दो खा लू। अभी बताता हूँ तेरे को, तूने हम सबको भूख दिया। नहीं छोड़ूंगा, तुझे रंडलों करके छोड़ूंगा। हाय हाय, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मैं फिरता हुआ नहीं देख सकती, चाहे तो मुझे बेवा कर दो। एक काम कर, मुझे रंडवा कर दे, ये खड़ी मैं तो दूसरी कर लूंगा। क्या कहा, इतने दिन से मैं जो यहाँ पड़ी हूँ ला के दिखाओ, मैं क्या ऐसे पड़ी हुई आज बताती हूँ। हाय हाय मम्मी, इनका मुँह क्यों लगते हो खानदान के? चलो जो घटिया खानदान बताया, घटिया खानदान की होगी तू? ये तो मेरा सगा भाई है, आ जा भाई गले लग जा। हाय, गले ना लगने दो, मैंने बहुत तारीज गंडे पिलाए हैं तुम दोनों को अलग करने के। अरे कुछ कह रहा तो क्या है, है तो सगा भाई। हाय हाय, ये जमाना तुम्हें क्या कहेगा, जलील तुम्हारे नौकरों को पीट रहा है। अबे ओए, तूने मेरे नौकर को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कौन सा तेरे को छोड़ने वाला हूँ, तेरे नौकर ने मुझे भूख दिया। बोल रहे तो मत बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे मामू की यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आज ही चले जाओ। मैं तेरे मामू क्या जाना कि अम्मी अभी भी है? जानते ना सही, लेकिन तुमने उनके घर में आग तो लगा दी। अभी लगी कहाँ है, अभी तो लगेगी, जब तक तू माफी ना मांगेगी ना ऐसे ही करूंगा। मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। खूब करो नौकरी, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली ना हूँ। अगर तू घर जाने को राजी है तो तेरे मामू का कोई लड़ाई नहीं करूँ, अगर नहीं चली तो क्या कर लोगे? अभी तो लड़ाई कर रही है, पूरा तूफान मचाना है, तेरा गुरूर तोड़ रहा है। शेख को पागल समझ रहे, शेख चिल्ली को? शेख जी, ये तुम्हें अच्छा लगता है मेरे मामू के यहाँ खाना बनाना, चाय बनाना? बताओ। अब तो तेरा मामू मेरा चाय बनवाना वाला नहीं, अब तक मैं कैसी चाय पिलाई बना के जा लू। अच्छा, तो ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने मेरे मामू के घर में आग लगा दी। ठीक है, जब तक तू अपने मामू से ये नहीं बताएगी मेरा शेख चिल्ली है और मैं इनकी बीवी हूँ, जब तक ऐसी करता रहूंगा। और तू कुछ बोलेगी नहीं? हाँ ना बोलने की, चल तो निकल, निकल ले, नहीं निकल। शेख चिल्ली, तू यहाँ आराम फरमा रहा, अब तुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे बता कहाँ से आया, कहाँ जाके कहा था फिर रहा? चुप कर। अच्छा ये बता, मैंने कल तुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता क्या कहा था, मुझे तो तुरंत ही पता रहती है।
मैंने तुझे तरकीब सोचने को नहीं कहा था? तरकीब? कैसी तरकीब? अरे वही, मुझे अपने इस कमीने भाई से बदला लेना है। यानी कि भाई भाई से इंतकाम लेगा है? दौलत के लिए भाई को मारेगा? मैं मेरी माना था भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, भाई से दुश्मनी करने वाले को दो जगह में भी जगह नहीं मिलती। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बदला लेकर रहूंगा। देखो मेरा था फर्ज था समझाने का, अब तुम नहीं समझते तो भाई से बदला लेना है। हाँ हाँ लेना है, लेना है। ठीक है, ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाई पागल हो जाओगे। मतलब बताओ कौन सी तरकीब है? मतलब जो मैं तरकीब बतलाऊंगा ना, बस उसमें थोड़ी सी अदाकारी करनी है। कर लूंगा, कर लूंगा, जल्दी बता। तो मुर्गा बनो, मुर्गा बन। क्या मैं मुर्गा? डरो मत, डरो मत, डरो मत, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, तुम्हारा भाई खुद अपना आप को मार डालेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जल्दी बता कौन सी बीमारी? बहुत जल्दी कर रहा। वो बीमारी है मुस्तकेज है नुमा खज्जू। अबे ये कौन सी बीमारी है? कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? ये बता देगा, ये सऊदी अरब से आई बीमारी। ठीक है ये सही है। अब सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जाकर ये बतलाऊंगा कि तुम्हारे भाई को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि वो अपने थप्पड़ मारे तो उनके लगता है और अपने कट मारो तो उनके लगेगा। ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। तो मिसाल के तौर पे आप अपने थप्पड़ मारो, ये मानो कि मैं आप हूँ। ठीक है ये तो मैं करता हूँ। थप्पड़ जोर से नहीं लगता ना साहब जी, बुरा मत मानना, रियलसर का मजा नहीं आता। इसका मतलब रियलसर पक्की। तो चलो पहले बेगम को विश्वास दिलाते हैं इस बात का। ठीक है ठीक है, बेगम को साली को पूरा विश्वास दिला उन्हें। हाँ ठीक है, आ जाओ, अब थोड़ी रियलसर कर लो। हाँ ये ठीक है, करें करो। अबे ये कौन सी बीमारी है जो मैं खुद को मार रहा हूँ? जब बीमारी तो मैं थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। ऐसा करो मैं अपने मारता हूँ, तुम एक्टिंग करना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, जोर जोर मारो अपना। हाँ। जोर जोर एक्टिंग करो। ठीक है ठीक है, देखो देखो। अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया, मार दिया रे, मार दिया रे। बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए। ऐसे करो तुम लेट जाओ। लेट जाओ? हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, मैं बेगम को बुलाता हूँ। लेट जाओ, लेट जाओ। बेगम जी, बेगम जी। अरे क्या चिल्ला रही है कमबख्त? हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? मैं बजने वाला रहता हूँ। सुनो अब यहाँ फिर चूड़ी तोड़ो, चूड़ी तोड़ो, तुम बेवा होने वाली हो। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जो तेरे मुंह में आती आवंती सोंदी बकता रहता है, पागल तो नहीं हो गया? बक नहीं रहा मैं, ये मरेंगे बचेंगे नहीं। नहीं नहीं शेख नहीं, बताऊंगा बताऊंगा सारी बताऊंगा। अरे ये कौन सी बीमारी है? बीमारी वो है जो जलालुद्दीन के नौकर को लगी थी, ये बचेंगे नहीं मरेंगे। मगर ये कैसे लग गई? ये बीमारी ऐसे लगी, इन्होंने चिड़िया मारी थी।